नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार का एनिमेशन सब्सक्राइब बटन बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर ये बटन दिख रहा होगा, इसमें आप यहाँ पर अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं और अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस प्रकार की सब्सक्राइब बटन बनाकर अपनी वीडियो में इसे कैसे लगाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार का सब्सक्राइब एनिमेशन बटन बनाकर अपनी यूट्यूब वीडियो में लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बटन पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। देखिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कैनवास शेप को ओपन करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में कैनवास शेप को ओपन करता हूँ। अगर आपको मोबाइल में कैनवास शेप पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए जैसे अपने मोबाइल में कैनवास शेप को ओपन करोगे आपके सामने प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 16:9 का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर 16:9 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर इस मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कोने पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से इस वाइट वाले बैकग्राउंड को सेट कर लेना। देखिए जिसमें यहाँ पर वाइट वाले बैकग्राउंड को सेट कर लिया है और आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर पीछे आना है। इसे आप यहाँ पर इस लेयर को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और आपको यहाँ पर पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस कोने में मीडिया वाला आइकन दूसरा दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन की गली भी ओपन हो जाएगी। गली से आपको एनिमेशन सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन को चूज कर लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन में केवल अपने चैनल का लोगो लगाना है और अपने चैनल का नाम लिखना है और उसे सही से सेट करना है। इसके बाद आपको इसे फुल करके यहाँ पर रख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस वाइट वाली लेयर पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर इसके बराबर लाना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसके नीचे इसके बराबर ले आ रहा हूँ। इसके बाद आपको वाइट वाली लेयर पर दोबारा से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे बराबर से कट कर देना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पीछे आ जाना है। अब चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप इस ग्रीन एनिमेशन स्क्रीन को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का लोगो सेट करना और नाम लिखना बताएंगे। तो देखिए आपको इस एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इसका आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 196 बटन लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 196 बटन लिख देता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 196 बटन लिखकर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे आप वहाँ पर 196 बटन लिखकर सर्च करोगे आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा सब्सक्राइब एनिमेशन बटन कैसे बनाए। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाने। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकेंडें चलती दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर सेकेंडें खत्म होगी आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सेकेंडें खत्म होगी डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो वाली स्क्रीन डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। जैसे कि फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ। आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे करना है जहाँ पर ये वाइट वाला आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको गैली से अपने चैनल के लोगों को चूज कर लेना है। लोगों को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर इस लोगों को छुट्टा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पर लोगों को लगा दिया है। लोगों को लगा देने के बाद आपको यहाँ पर इन एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे जाना है। जिससे कि मैं यहाँ पर सबसे नीचे आ चुका हूँ और आपको यहाँ पर इंटर स्लाइड आपका ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इसकी स्पीड को धीमा कर देना है। देखिए जिस मैंने यहाँ पर 0.5 कर दिया है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा आगे करना है। आगे करने के बाद फिर से आपको अपने लोगो वाली लेयर पर क्लिक करना है। लोगो वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है और फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सिस स्लाइड डाउन का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये अभी नीचे जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसकी भी स्पीड को आपको यहाँ पर थोड़ा तेज कर देना है, 0.5 पर कर देना है। अब देखिए इसे मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लोगो आता है, सब्सक्राइब का बटन आता है और देखिए यहाँ पर ये नीचे दोनों चले जाते हैं। अभी आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम भी लिखना है। आपको देखिए यहाँ पर करना है जहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर ये लोगो वाली लेयर लगाई थी। इसके बाद आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर जो भी मर्जी है वो फॉन्ट चूज कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से ब्लैक वाला कलर सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर शैडो को ऑफ कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर ये सही से दिखने लगा है। आपको इसे भी यहाँ पर ले आना है।
फिर से आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर स्लाइड अप पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 0.5 को चूज कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 को चूज कर लिया है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट वाइल लेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है। आउट एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और आपको यहाँ पर एक्सेस स्लाइड डाउन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको यहाँ पर 0.5 पर सेलेक्ट कर लेना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोनों लग चुके हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से प्ले हो जाएगा। अब ये सब्सक्राइब का बटन बन चुका है। अब आपको इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी वीडियो वो वाली यहाँ पर आ जाएगी, इस वीडियो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आप इस सब्सक्राइब बटन को अपनी यूट्यूब वीडियो में कैसे लगाएंगे। देखिए मैंने फिर से कैनमास्टर ऐप को ओपन कर लिया। आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर इनमें से कोई भी रेशियो को चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 16:9 वाला रेशियो चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऊपर आपको यहाँ पर इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको गैलरी से एनिमेशन सब्सक्राइब का बटन चूज कर लेना है जिसे आपने अभी बनाकर सेव किया था। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे इनेबल कर देना है। देखिए जैसे आप यहाँ पर इसे क्रोमा की को इनेबल करोगे, देखिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ के दिखाता हूँ। देखिए ग्रीन वाली लेयर गायब हो चुकी है, आपको यहाँ पर केवल सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। आपको यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप इसे जहाँ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका ये बटन लग जाएगा, आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें।